कपड़े नहीं है, पहनने को जूते नहीं है, क्या करे? ईद करीब आ गई है, सब लोग घर से पैसे लेके ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्या करें हम? क्या हुआ भाई, इतना उदास क्यों बैठे हो? भाई बहुत दिन लग गया कि पापा पुलिस वाले दुकानें बंद कर रहे हैं, पापा घर बैठ गए, क्या करें? ईद करीब आ गई है तो सब लोग घर से पैसे लेके ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, क्या करें हम? कोई मसला नहीं, आप यार टेंशन और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका बड़ा अच्छा सबाब लगाएगा, इंशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी गुजर जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह आपको। यार एक छोटा सा बच्चा उनकी इतनी हेल्प कर गया तो मुझे अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया है, मैं क्यों नहीं कर सकता? ये लो भाई आपकी ईद के कपड़े और जूते, आप अच्छी ईद गुजारना, और ये आप पैसे ले लो, ये लो, ये आपकी ईद, दोनों अच्छी ईद गुजारा है इंशाल्लाह, अल्लाह आपको होल दे, अल्लाह आपको होल दे। तो दोस्तों आज हमें क्या लेसन मिला कि जब भी हम अपने ईद मनाएं, छोटी ईद जो मीठी ईद होती है, हमें अपने ईद गिर्द के लोगों को देख लेना चाहिए, कोई इस तरह गरीब और नादार बच्चे ना हो जो इस ईद की खुशियों से रह जाएं। तो दोस्तों हमें पहले देख लेना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। और पिछले दिनों ही मैंने वाकया थोड़े से देखे थे कि इससे एक बाप था, उसने अपने तीन बच्चों को अपनी एक भूख की खातिर कत्ल कर दिया था, दरिया में फेंक दिया था। तो दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए पहले हमें देख लेना चाहिए अपने आप इर्द गिर्द के लोगों को, उनकी पहले मदद करनी चाहिए, फिर अपनी खुशियों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो दोस्तों अगर ये आपको मेरा मोरल लेसन पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब करें, ये कोई व्लॉग नहीं था, तो बस ये आपको एक सबक देना था, इंसानियत के नाते की सबक था एक, तो दोस्तों ये एक सबक ही है। और अगर ये मेरी आपको वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई से नई वीडियो मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।